मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी ठीक हैं और अपने अपने घर पर हैं। सो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करा था राग भोपाली का, आज मैं आपको बताऊंगा राग भोपाली किस ताल में गाया जाता है। वैसे तो स्टूडेंट्स किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी राग को किसी भी ताल में गा सकते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं है कि इस राग को आप इसी बीट में गाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज जिस ताल के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज तीन ताल। ये 16 मात्रा की ताल होती है और नॉर्मली आप लोगों ने भी इसको बहुत सुना होगा, लेकिन कभी इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए होंगे क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है। आज हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके डिटेल में आपको तीन ताल के बारे में बताया जाए। सो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये 16 मात्रा की ताल है, इसके चार विभाग होते हैं। चार विभाग में ये 16 काउंट पूरा होता है, एक एक विभाग में चार चार मात्राएं होती है, तो 4 × 4 = 16। तो इसको काउंट करने का तरीका दो तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं, एक तो नंबर से और दूसरा जो इसके एक्चुअल बोल हैं। पहले मैं आपको नंबर से काउंट करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके बोल बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने कई जगह पर क्लैप करा कई बार फिंगर, एंड एक टाइम ऐसा है जब मैंने अपने हाथ को खाली दिखाया, खाली लाइक ऐसे ही खाली। सो अब इसके बोल क्या है और कौन सी बीट पे क्लैप आती है, कौन सी बीट पे खाली का साइन आता है, तो ध्यान दीजिएगा। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। यानी कि 1, 5 और 13 पर मैंने क्लैप किया, 9 पर जो था वो खाली था। तो आज हम लोगों ने सीखा कि तीन ताल को बोला कैसे जाता है, काउंट कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये तीन ताल सुनाई कैसे देता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरे सामने भी अगेन सुपर फैंटास्टिक कैसियो का कीबोर्ड है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो इंडियन रिदम है वो बहुत ही औसम है। आप लोग खुद सुनिए, जो बोल मैंने अभी बोले हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साउंड आपको सुनाई देगा। तो आइए सुनते हैं। देखा आपने, एक बार फिर से सुनते हैं। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा धा। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कितना ओरिजिनल साउंड है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि तीन ताल को कैसे बोला जाता है, कैसे काउंट किया जाता है, और सुना भी आपने, कई लोगों को याद भी आ गया होगा। तो आप लोग घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिंगर में कैसे काउंट करना है ये वीडियो को देख देख कर इससे सीखिए। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। सो स्टे होम।